पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वर्ब फॉर्म ऑक्सिलियरी वर्ब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है वो है हैड बीन। मेन वर्ब वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। एग्जांपल्स देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द टीचर हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 15 मिनट्स। जब मैं क्लास में एंटर हुआ द टीचर हैड ऑलरेडी बीन स्पीकिंग फॉर 15 मिनट्स। टीचर पहले से ही 15 मिनट से बोल रहे थे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर। वह दिल्ली में 10 वर्षों से रह रहा था। कब? जब मैं उसे पिछले वर्ष मिला था। सेंस और फोर का यूज़ तो हमें पता ही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कुछ यूजेस मैं और भी बता दूँ। इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम लेटर इन द पास्ट। यह इस टेंस का यूज जो है ऐसे काम के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट के ही किसी आगे के समय में चल रहा था। जैसे द डोर बेल हैड बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स बिफोर इट वॉज ओपन्ड। डोर बेल 5 मिनट्स हैड बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स 5 मिनट तक बज रही थी बिफोर इट वॉज ओपन्ड। खोले जाने से पहले, मतलब जब दरवाज़ा खोला गया उससे पहले वो 5 मिनट तक डोर बेल जो है वो बजाई जा रही थी। और इसका एग्जाम्पल जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, हर मदर आस्क्ड सुनीता व्हाट शी हैड बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। उसकी माँ ने सुनीता से पूछा कि वो सुबह से क्या कर रही थी। फिर हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, सुनीता टोल्ड हर मदर दैट शी हैड बीन स्विंग द होल मॉर्निंग, कि वह पूरी सुबह सिलाई कर रही थी। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया गया है। ओके, तो इस तरह से फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसका यूज़ किया है।